मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ और व्यासपीठ पर विराजमान हमारे महाराज जी को कोटिसा पाटलिपुत्र की धरती पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। स्वामी जी, आप राधे कृष्ण की भूमि से राम कृष्ण की भूमि में, राम और सीता की भूमि में आए हैं। इस पाटलिपुत्र में पूरी जनता की ओर से हम आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत दिन से लालसा थी मन में जब आपका दर्शन करूं, लेकिन सौभाग्य नहीं हो रहा था। मैं तो ठीक ही बताया गया कि मैं तो राम कथा कहता हूं, कल ही लौटा हूं, और मैं राम कथा कहता हूं, यहां भागवत कथा होती है, हमारे स्वामी जी भागवत कथा कहते हैं। यह भागवत कथा मैं कह नहीं पाता, उतना ज्ञान भी नहीं है। विदेशों में, लंदन में, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, तमाम देशों में राम कथा लेकर मैं गया और लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज जी आप भागवत कथा कहते हैं, अब मैं क्या करूं? मैं अब स्वामी जी को वहां कैसे बुला लूं कि मेरी सहायता करो, क्योंकि सुना तो है कि भगवान कृष्ण को जहाँ लोग बुलाते हैं चले आते हैं।
तो मैं तो पुकार नहीं सका ना, तो इनको मैं पुकार लेता हूँ, वहीं मॉरीशस लंदन स्विट्जरलैंड में इनकी कथा लोगों को सुनाता। सच कहता हूँ स्वामी जी, बड़ा अच्छा लग रहा है यह माहौल, और मैं तो इतना ही कहूँगा कि इतनी नई आँखें जहाँ हो वह मंजर अच्छा लगता है, सारा जहाँ घूम आया अब घर अच्छा लगता है। स्वामी जी, मैं तो केवल राम कथा कहता हूँ, आप तो सरस रास लीला वाली कथा कहते हैं। राम को तो लोग कहते हैं जो उदास की कथा होती है, लेकिन कृष्ण की कथा बड़ा रंगीन होती है, आनंद देने वाली होती है, वृंदावन की कथा होती है। तो वृंदावन के कुंज गली में राधा नाचे ताता थैया, मैं भी कभी कभी गाता हूँ अपने राम कथा में, लोग कहते हैं इसी को गाइए। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको देखकर महाराज जी, कौन कहता है खुदा के नूर से वाकिफ नहीं है हम, आपको देखते ही लग जाता है कोई दिव्य आत्मा। रामचंद्र जी, हम तो मिथिला के लोग हैं स्वामी जी, जब भगवान श्री राम मिथिला में गए तो मंच सजा था इसी तरह, और जनक जी ने उनको पहले मंच पर बैठाया तो कैसे लग रहा था, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, जैसे लग रहा था कि आकाश में लाल रंग का सूरज प्रकाशित हो रहा है। तो आप इसी तरह सूरज प्रकाशित हो रहे हैं। कौन कहता है खुदा के नूर से वाकिफ नहीं है हम, कौन कहता है अपनी सांसों से परिचित नहीं है हम, किसकी उंगलियों पर हम नाचते हैं सब, और किसकी धड़कनों में बास करते हम। स्वामी जी, सचमुच आप तो प्रेरणा देकर इतने लोगों को प्राण फूंक रहे हैं। मैं तो राम की कथा कहते कहते इतना सरस नहीं बना पाया अपने जीवन को, लेकिन एक बात मुझे याद आती है आपको देखकर, आपको देखकर इतनी सी बात मन में आती है, जब से तुम्हें देखा है हसरतें बढ़ने लगी है, जब से तुम्हें देखा है हसरतें बढ़ने लगी है, तेरी सूरत इन आंखों में बसने लगी है। स्वामी जी, जब से पैदा हुआ मरने की तमन्ना थी, आज तुम्हें देख लिया अब जीने की तमन्ना है। स्वामी जी, आप तो टीवी के माध्यम से हमेशा सरस बरसात करते रहे हैं और इतना आनंद देते रहे हैं लोगों को, तो मुझे तो थोड़ा सा समय आपने दिया, बड़ी कृपा की आपने। केवल इतनी सी बात आपको कह देता हूँ कि सच कहता हूँ आपके इस महफिल से जाना बड़ा मुश्किल है, सच कहता हूँ आपके इस महफिल से जाना बड़ा मुश्किल है, इन हसीन वादियों से आंखें हटाना मुश्किल है। आपने मुझे चाहा यह हकीकत है, लेकिन फिर भी स्वामी जी आपकी तस्वीर इन आंखों से हटाना बड़ा मुश्किल है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं बीच में व्यवधान नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ अमृत की वर्षा हो रही हो तर मरुभूमि में बैठकर कोई व्यक्ति पानी की खोज क्या करेगा। आप तो लोगों को पिला रहे हैं, रस पिलाइए, और पटना पाटलिपुत्र की धरती पर हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और तमाम लोगों के तरफ से परमात्मा से दुआ करते हैं कि आप चिरायु बने, दीर्घायु बने, यशस्वी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वल चरण कमल भ्यो नमः, श्री गुरुदेवाय नमः, श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। जन्मादिश्यतोन्मया दितरतस् चार्थेषु विज्ञसुराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारे मृदां यदा विनमयो यत्र सर्वो मृषा
धामना स्वैन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनककविशं वैजयन्तीं च मालां रन्धानवेणुवधरसुदया पूरयण गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शुभदरमिणं प्रावसद गीतकीर्तिः। नमस्ते भगवते कृष्णाया कुण्ठमेदसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारिणे वसुदेव सुदं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्च नुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मे राधे तेरो दास जनम जनम मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। वर्षाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करू में कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे व्रजसुतं। सभी अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ें और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। आइए सब मिलकर हरिनाम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आगे कथा प्रसंग को लेके चलेंगे। ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवान धन धान्य के सब भद्र भाव देखे सतमार्ग के पथिक हो कोई हो
से हमें बचाइए, हर के दया दयाल अपना भक्त बनाइए, सबको करो निहाल, दिल में दया उतारना, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता, हे मेरे कर्ता, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना, वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम, ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना, वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उपस्थित सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज, पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। सभी जरा एक बार प्यार से हो जाए, क्या बात करते हैं। आइए हमारे साथ मिलकर श्री राधा नामोच्चारण करें। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, सुनत
बांसुरी की सुध विसरी मन न धरे अवधि प्रीत वही मोहन दलाल सो यही सत्य है नी प्रीत वही मोहन दलाल सो यही सत्य है नी चलो मन श्री जमुना के तीर चलो मन श्री श्री जमुना के तीर चलो मन श्री यमुना के तीर हमारो धन जिनको लगी घनश्याम से लगन जिनको घनश्याम से लगन जिनको लगी घनश्याम से लगन जिनको लगी घनश्याम से उन्हें क्या लेना जग के काम से उन्हें क्या लेना जग के काम से लगन जिनको लगी घनश्याम 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 से जिन्हें है प्रीत वृंदावन में आकर राधे राधे गाने से जिन्हें है प्रीत वृंदावन में आकर राधे राधे गाने से उन्हें क्या लेना और किसी भी यूं ही धाम से उन्हें क्या लेना और किसी से लगन जिनको जिनको लगी घनश्याम से लगन जिनको लगी घनश्याम से लगन जिनको लगी घनश्याम से लगन जिनको लगी घनश्याम से करे क्यों योग जप तप नेम व्रत कोई वो प्रेमी क्यों करे क्यों नेम व्रत प्रेमी वो प्रेमी क्यों जिन्हें है प्यार श्री राधे जी के नाम से जिन्हें है प्यार श्री राधे लगन जिनको लगी घनश्याम से लगन जिनको लगी घनश्याम से हमारो धन Oh,
सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की विश्व में ओ शांति शांति शांति। एक बार सभी प्यार से बोलेंगे और जरा प्यार से हो जाए। आज हमारे लाला को जन्मदिन है तो आज तो पूरा आनंद आना चाहिए। इतना आनंद आना चाहिए कि जो पापिष्ट लोग यहाँ नहीं आ सके हैं उनके कानों के पर्दे फट जाएं। जिनको लगन लगी घनश्याम से उन्हें क्या लेना जग के काम से। जिनको लगन लगी घनश्याम से जब तब नेम व्रत कछु न जाने। जिन्हें प्यार है श्री राधा जी के नाम से। आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस पावन कथा प्रसंग में आप सभी को आनंद आना है। प्रेम पूर्वक कृष्ण के परम भक्त बनकर। देखिए संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक भगवान के उत्सव को स्वयं सजाते हैं संवारते हैं और खुद करते हैं और दूसरे वो लोग जो भगवान के उत्सव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अब तुम ये डिसाइड करो तुम्हें किधर रहना है, बनाने में या बिगाड़ने में। सभी ये कहते हैं लेकिन हम लोग बिगाड़ने का भी काम भली भांति कर लेते हैं, अच्छे तरीके से कर लेते हैं। भगवान के इस कथा आनंद में सच्चे श्रोताओं की पहचान है। भाई जिनको हम लोग राक्षस कहते हैं उन्हें हम राक्षस क्यों कहते हैं, क्यों उनके कोई सिंह थे, कोई स्पेशल तो कुछ था नहीं, लेकिन उन्हें राक्षस कहते थे उनके कर्म की वजह से। वो भगवान के उत्सव में सम्मिलित नहीं होते थे कभी, उनके घर में कभी भागवत नहीं हुआ करती थी, उनके घर में हरि का मिलन उत्सव नहीं हुआ करता था। भक्त वही है जो हरि महोत्सव में अपने आप को भुलाकर सिर्फ। और एक और बात बता दें, जो ये उत्सव यहाँ होते हैं ना वहाँ स्वर्ग में न यज्ञ है न महोत्सव है। यहाँ के ही फलों की वजह से तुम्हें स्वर्ग मिलता है, यहाँ के कर्मों की वजह से। यहाँ का कर्म है फल, फल है स्वर्ग। यहाँ जो आप यज्ञ कर्म कर लेंगे उसी कर्म की बदौलत आपको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन पृथ्वी लोग स्वर्ग से बेटर है। यहाँ ऐसे कर्म कर सकते हो जहाँ से स्वर्ग मिल सकता है। स्वर्ग में जाकर तुम पर ऐसा कोई कर्म नहीं है जहाँ से तुम्हें फिर स्वर्ग में रख लिया जाए। वहाँ जैसे ही आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा आपको पुनः इस पृथ्वी पर धक्का मार दिया जाएगा, जाओ दोबारा से धर्म करके आओ फिर यहाँ पर आना। जैसे आप किसी होटल में जाएं
होटल वाले आपको होटल में कब तक रखते हैं जानते हो? जब तक आप होटल वाले को पेमेंट देते रहते हो। जब आप उससे कह दो आई एम सॉरी आई डोंट हैव मनी, तो वो भी बोल देते हैं आई एम सॉरी माई रूम इज बुक्ड, प्लीज लीव। पता रही है क्यों? बोले होटल की सुविधा आपको तभी तक है जब तक आपकी जेब में पैसा है। हाँ या ना? जवाब दीजिए। और जैसे ही पैसा खत्म, होटल की सुख सुविधाएं खत्म। होटल में सुख सुविधा कम है, स्वर्ग में ज्यादा है, लेकिन वहां भी तुम्हें करेंसी चुकानी पड़ती है सत्कर्मों की। यहां पर गांधी बापू चलते हैं, वहां गांधी बापू के भी बापू चलते हैं। गांधी बापू के बापू कौन कौन है? सबको सम्मति पतित पावन सीता राम भज प्यारे मन सीता राम। सबको सम्मति दे भगवान, पतित पावन तेरो नाम रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम। बापू के बापू है ये। तो जब आप इनकी शरण ले लेते हो तो वही सत्कर्म आपके वहां काम आता है, स्वर्ग में मौका मिलता है। और जिस दिन वो सत्कर्म संपूर्ण हो जाते हैं तो आपको और हमको पुनः धक्का मार दिया जाता है कि जाओ यहां से। भोग तो भोग ही हैं, चाहे स्वर्ग के भोग हों चाहे मृत्यु लोक के भोग हों, भोग तो भोग ही है। भोगान भोगता वय में भोगता, भोग कभी समाप्त नहीं होते, जीव ही समाप्त हो जाता है, नहीं होता है? जब यहाँ पर सीनियर लोग छोटे छोटे थे, बच्चे थे, तो साइकिल पे चलते थे ना, जिनके घर में साइकिल होती थी वो बहुत पैसे वाला माना जाता था। अरे साहब साइकिल है, पहले तो ब्याह में भी साइकिल मिला करती थी। तीन चीजें फिक्स थी, साइकिल रेडियो और घड़ी। गलत तो नहीं है? ये तीन चीज मिली थी आपको, मिली थी कि नहीं? कईयों को तो वो भी नसीब नहीं होती थी, कईयों को तो एक घड़ी दे के ही विदा करो, साइकिल नहीं है रेडियो नहीं है। और जिसको शादी में रेडियो मिल जाता था वो पूरे गांव में रेडियो पे गाने का सुनता हुआ चलता था, परिक्रमा देता हुआ। वैसे तो वैसे ही शोर हो जाता था गाँव में, बोले क्या बोले घड़ी साइकिल रेडियो मिले साहब। अरे साहब बड़ा ब्याह है तो पहले साइकिल रेडियो और ये सब भी बड़ी चीज हुआ करती थी। तो बताइए तब से सुख के साधन बढ़े हैं कि घटे हैं? जवाब दीजिए, तब से भोग बढ़े हैं कि घटे हैं? लेकिन आपकी तो उम्र घट गई, साइकिल से गाड़ी में आए, घड़ी से मोबाइल तक पहुंच गए, इंटरनेट तक पहुंच गए, हैं? और रेडियो से टीवी तक। ये हर चीज बड़ी है घटी नहीं है, लेकिन तेरी उम्र घटी है, टोटल में से लेस हो गया। जितना भगवान ने तुमको दिया था टोटल 90, और अगर 70 चले गए तो सिर्फ 20 बचा है। तो भोग घटे नहीं बढ़े, उम्र बढ़ी नहीं घटी। हाँ जी कि ना जी, बोलिए जी।
तो भोग तो भोग ही है, चाहे वो भोग स्वर्ग के हों चाहे वो भोग इस पृथ्वी के हों। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने एक बहुत अच्छा भाव लिखा है मेरे भाई बहन, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में समस्त वो साधन मौजूद हैं जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकें, लेकिन कर्महीन लोग कभी उसको प्राप्त नहीं हो पाते। कछुए का देखा, कछुए को देखा, वो जो कछुआ होते हैं ना, कछुआ पानी में रहने वाले कछुआ, जब बाहर जाता है ना तो अपना मुंह अंदर समेट लेता है, और जब पानी में जाता है तो बाहर कर लेता है। आज का इंसान तो कछुए से भी बदतर है, वो तो कछुआ अपना मुंह इसलिए कर लेता है अंदर जिससे मुझे कोई देख।